किसी चीज को समझने के लिए मंथन जरूरी है। नई सोच जगाने के लिए मंथन जरूरी है। नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार, फुटबॉल जगत के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कौन नहीं जानता है। दोस्तों, रोनाल्डो ने अपने जीवन काल में 109 गोल्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इन दिनों में रोनाल्डो काफी चर्चा में है क्योंकि यूरो 2020 कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक की दो बोतल को साइड करते हुए पानी की बोतल को हाथ में उठाया और लोगों को इशारा किया कि पानी पियो और स्वस्थ रहो बजाय कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स। दोस्तों, रोनाल्डो के इस मैसेज की वजह से कोका कोला ब्रांड को $4 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, इस बात से हमें सीखने को मिलता है जो जितना बड़ा आदमी होता है वो पूरी दुनिया को उतने बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, दुनिया वालों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो से हम बेहद कीमती सीख लेकर जाने वाले हैं। इस वीडियो में रोनाल्डो की हम लाइफ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ना ही कोका कोला के बारे में चर्चा करेंगे, बल्कि फुटबॉल से हम ऐसी सीख लेकर जाएंगे जो हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। इसलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। दोस्तों, स्पोर्ट्स, गेम्स या एथलेटिक्स में कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति हो, सक्सेसफुल खिलाड़ी हो, उसके जीवन में होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम तमाम सारे स्पोर्ट्स के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन खास करके फुटबॉल के बारे में बात करेंगे, जिस सीख को स्वामी विवेकानंद भी अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों, फुटबॉल खेलने के लिए और ज्यादा से ज्यादा गोल करने के लिए क्या चाहिए? फुटबॉल में ज्यादा से ज्यादा गोल करने के लिए और खेलने के लिए चाहिए स्ट्रेंथ, बल, बुद्धि और अभ्यास। बल, बुद्धि और अभ्यास के बिना फुटबॉल खेलना और गोल करना संभव नहीं है। ये तीनों चीज रोनाल्डो के जीवन में है, इसलिए वे इतने महान फुटबॉलर बन सके। ये तो फुटबॉल की बात। जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वो भौतिक लक्ष्य हो या आध्यात्मिक लक्ष्य, उसे प्राप्त करने के लिए भी हमारे जीवन में होना आवश्यक है बल, बुद्धि और अभ्यास। इन तीनों के बिना हम अपने जीवन के किसी भी बड़े लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते। फुटबॉल के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही जबरदस्त बात कही है, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता। मतलब आप गीता पढ़ने से अधिक फुटबॉल खेलते हुए स्वर्ग के नजदीक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस बात का बहुत ही गहरा मतलब होता है। स्वामी विवेकानंद का मतलब ये नहीं कि हम गीता ना पढ़ें। स्वामी विवेकानंद ने अपने सभी लेक्चर्स में गीता के श्लोकों का उदाहरण दिया है, गीता के ज्ञान का प्रचार किया है। फिर भी स्वामी जी ने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा है, गीता पढ़ने से अधिक अगर आप फुटबॉल खेलेंगे तो स्वर्ग के नजदीक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर स्वामी जी का यही संदेश है कि हमारे जीवन में स्ट्रेंथ बहुत आवश्यक है। फुटबॉल खेलने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए और स्ट्रेंथ के बाद ही हम अच्छी तरीके से फुटबॉल में सफल हो सकते हैं। स्वामी जी का भी यही कहना है कि बल, बुद्धि और अभ्यास जीवन में बहुत आवश्यक है, जिसके बिना हम जीवन के किसी भी सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते। स्वामी जी ने एक और बात भी कही है, इट इज वीकनेस सेज द वेदांत व्हिच इज द कॉज ऑफ ऑल मिजरी इन दिस वर्ल्ड। वीकनेस इज द वन कॉज ऑफ सफरिंग। वी बिकम मिजरेबल बिकॉज वी आर वीक। मतलब होता है, वेदांत के हिसाब से इस दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, जितनी भी सफरिंग है, जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, सब कुछ दुर्बलता से ही आती है। अगर दुर्बलता है तो सारी परेशानियां है, अगर बल है, बुद्धि है, अभ्यास है तो सारी सफलता है। इस बात से हमें यही समझ में आता है। अब आप लोगों के मन में नेचुरली ये प्रश्न आएगा कि हम कैसे बढ़ाएं बल, बुद्धि और अभ्यास को, कैसे अपने बल, बुद्धि और अभ्यास को मजबूत बनाएं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, बल, बुद्धि और अभ्यास को मजबूत बनाने के लिए हमारे जीवन में आवश्यक है चार प्रकार की डिसिप्लिन। नंबर वन, अर्ली मॉर्निंग वेकअप। दोस्तों, जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं या एथलेट्स होते हैं जो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं अपने अभ्यास के लिए, वो सोच लेते हैं उठना है तो उठना है, हर कीमत पर उठना है, कुछ भी हो जाए उठना है तो उठना है। अब आप कहेंगे कैसे उठें, हम तो उठ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, उठने के लिए आपको शरीर से थकना होगा और कुछ काम भी करना होगा जिससे आप जल्दी सो जाएंगे और जल्दी उठ भी पाएंगे।
दोस्तों सुबह जल्दी उठने के लिए ये दो काम आप जरूर करें। शाम को 7 बजे से पहले जरूर खाना खा लें। उसके बाद सोने का समय होते होते खाना अच्छी तरीके से पच जाता है और उसके बाद आप पानी पी करके ही सोएं। सोने से पहले बिस्तर पर आप शांति से बैठ जाएं, रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, अपने मसल्स को रिलैक्स कर लें, ब्रीथिंग स्लोली लें, धीरे धीरे श्वास भरें और श्वास छोड़ें बिस्तर के ऊपर। बैठे बैठे ऐसा दृढ़ संकल्प करें, ऐसा विचार करें कि मैं सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठ रहा हूँ, मेरी नींद अपने आप खुल रही है, मेरी नींद अपने आप पूरी हो रही है, मैं रिफ्रेश हो रहा हूँ, मैं बड़ी आसानी से सुबह सूर्योदय से पहले जग रहा हूँ, अपने आप मेरी नींद खुल रही है, कोई थकान नहीं हो रही है, मेरी नींद पूरी हो रही है। इस तरीके से आप दृढ़ संकल्प करके ही सो जाएं। सुबह जल्दी उठने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इस प्लेसिबो इफेक्ट से आप सुबह जल्दी जग पाएंगे। नंबर 2, वर्कआउट्स। दोस्तों जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या गेम खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, उनके जीवन में वर्कआउट का रूटीन तो बहुत ही जबरदस्त होता ही है। यानी कि एक्सरसाइज करना है तो करना है, हर कीमत पर करना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो जरूर दौड़ें, अगर दौड़ नहीं सकते तो जरूर चलें। चलना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार से आप अपने शरीर को थकाइए। जितना ज़्यादा आप शरीर को आराम देंगे, आपका शरीर आराम ही आराम मांगता रहेगा। जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को तकलीफ देंगे, आपका शरीर हर परिस्थिति में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में एडजस्ट करना चालू कर देगा और शरीर थक जाएगा, और थका हुआ शरीर जल्दी सो भी जाता है। आपको ये परेशानी कभी नहीं आएगी कि आपको लेट से नींद आ रही है। इसलिए वर्कआउट और शारीरिक परिश्रम से अपने शरीर को थकाना बहुत जरूरी है। जो लोग अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, अधिक शारीरिक परिश्रम भी अपने आप में वर्कआउट की तरह ही होता है। नंबर 3, हेल्दी खान पान। दोस्तों कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी। मतलब जिस तरीके का अन्न हम अपने शरीर में डालेंगे, हमारा मन भी वैसा बनेगा। अगर हम अनहेल्दी फूड खाते हैं तो हमारा मन भी अनहेल्दी हो जाएगा। अगर हम पीने लायक चीज़ें पीते हैं, जैसे रोनाल्डो ने कहा है पानी भरपेट पीते रहो, अधिक से अधिक पानी पियो, या कोई भी हेल्दी ड्रिंक, दूध, नींबू पानी या कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, अगर हम उसे पीते हैं तो ही हमारी वाणी अच्छी होती है। अगर हम ऐसी चीज़ें पीते हैं जो हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है तो उससे हमारी वाणी खराब होती है। एक खास चीज़ जीवन में होना बहुत आवश्यक है, हम जीने के लिए खाना खाएं, न कि खाने के लिए जिए। दोस्तों खाना खाने के लिए स्वाद भी जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्वादिष्ट खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन स्वादिष्ट भोजन के लिए पागलपन हमें लेकर के डूबेगा। कहते हैं जिस व्यक्ति की अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं है, उस व्यक्ति का अपने मूत्र इंद्रिय पर भी कंट्रोल नहीं हो सकता। अर्थात वो व्यक्ति अपनी वासना को, अपनी कामना को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए हेल्दी खान पान के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट मंथन अप डाइट जरूर देख सकते हैं। मंथन अप डाइट प्लेलिस्ट से आइडिया लेकर आप अपने खान पान को सुधार सकते हैं। नंबर 4, अभ्यास। दोस्तों अभ्यास से ही हमारे जीवन में सिद्धि आती है। अपने लक्ष्य के लिए लगातार पुरुषार्थ अभ्यास का दूसरा रूप है। इस प्रकृति का नियम बहुत ही सीधा है। पुरुषार्थ के बिना इस दुनिया में किसी को ना कभी कुछ मिला है, ना मिल रहा है, ना मिलेगा। इसलिए इस बात को अपने जहन में अच्छी तरीके से बिठा दें। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। पुरुषार्थ ही सबसे बड़ा भगवान है। चाहे आपका लक्ष्य भौतिक हो या आध्यात्मिक, हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में ये 4 चीज होना बहुत आवश्यक है। जब हमारे जीवन में ये 4 चीज़ें जुड़ जाएगी तो हम बलवान बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे और अभ्यास भी करते रहेंगे। इस क्वालिटी के आते ही हमें सफलता की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है। सफलता स्वयं हमारे जीवन में चल करके आ जाएगी। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। बहुत बहुत शुभकामनाएं।